के राबड़ी आवास सहित पूरे देश में 17 ठिकानों पर जो छापेमारी हुई है उसके बारे में जो राजद के द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है कि पुराने केस पर छापेमारी हो रही है, तो राजद के लोग इस भ्रम में नहीं रहे। पहले जो 17 में केस हुआ था वो केस का मामला था, पैसा दो और होटल लो, उसके तहत कार्रवाई हुई थी, उसके तहत 17 में छापेमारी हुई थी। लेकिन कल जो छापेमारी हुई है वो नौकरी लो जमीन दो। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ रश्मि। नौकरी लो और अपनी जमीन दो, ये काम लालू प्रसाद यादव की तरफ से किया गया, जिसको लेकर सीबीआई की तरफ से छापेमारी पड़ी और अब इसकी सजा भी लालू परिवार को भुगतनी होगी, ये कहना है भारतीय जनता पार्टी का। बता दें कि कल जिस तरह से सीबीआई की छापेमारी राबड़ी आवास पर चली है, और ना सिर्फ राबड़ी आवास बल्कि 17 ऐसे ठिकाने हैं जहां पर एक साथ सीबीआई की रेड पड़ी, जिसको लेकर राजद के कार्यकर्ताओं में जो उनका गुस्सा है, जो उनकी नाराजगी है, वो देखने को मिल रही है। लेकिन इस बीच बात करें तो कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। राजद की माने तो सरकार पर निशाना साधा जा रहा है, यानी कि सत्ता पक्ष के लोगों पर हमले किए जा रहे हैं। इस सब के बीच बीजेपी के प्रवक्ता राम सागर सिंह का कहना है कि लालू प्रसाद यादव ने जो गलती की है उसी का खामियाजा आज उन्हें भुगतना पड़ रहा है। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ कहना है बीजेपी के प्रवक्ता राम सागर सिंह का। कल के राबड़ी आवास सहित पूरे देश में 17 ठिकानों पर जो छापेमारी हुई है उसके बारे में जो राजद के द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है कि पुराने केस पर छापेमारी हो रही है, तो राजद के लोग इस भ्रम में नहीं रहे। पहले जो 17 में केस हुआ था वो केस का मामला था, पैसा दो और होटल लो, उसके तहत कार्रवाई हुई थी, उसके तहत 17 में छापेमारी हुई थी। लेकिन कल जो छापेमारी हुई है वो नौकरी लो जमीन दो, इसके तहत कार्रवाई हुई है। और जो लोग भी घूस लिए हैं और जो घूस दिए हैं उन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है और उन लोगों के यहाँ ही छापेमारी जाकर के सीबीआई ने किया है। और उस छापेमारी में बहुत सारे चीज हाथ लगने का संकेत मिल रहे हैं। राजद के लोग इस भ्रम को नहीं फैलाएं कि किसी पार्टी ने या किसी संस्था ने जानबूझकर किया है, ये इनके पुराने कारनामों का नया केस का परिणाम है। इसलिए ज्यादा उछले कूदे नहीं राजद के लोग, जो जैसा करता है वो वैसा पाता है, जैसी करनी वैसी भरनी, समय जो लगे सजा तो मिलनी ही है। अपने बीजेपी का साफ तौर से कहना है कि लालू प्रसाद यादव के ऊपर ये कोई पुराना मामला नहीं है, बल्कि ये ताजा मामला है जो गड़बड़ी लालू प्रसाद यादव ने की, जिस तरह से नौकरी देने के नाम पर जमीन हड़पने का काम उनकी तरफ से किया गया, यही वजह है कि आज पूरा परिवार सीबीआई के शिकंजे में है और अब जल्द ही इस पर सजा भी लालू प्रसाद यादव को मिलने वाली है। तो ये मामला अब धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा है। कल दिन भर की छापेमारी के बाद हमले भी लालू परिवार पर हो रहे हैं, साथ ही साथ बीजेपी का अब साफ तौर से कहना है कि लालू प्रसाद यादव अब बचने वाले नहीं हैं। फिलहाल इतना ही, ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।